सो गाइस, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं हूँ एक मिनिमलिस्ट, या फिर आप कह सकते हैं अति सूक्ष्मवादी, और ये लाइफ के इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि आप अपने आसपास जितना कम सामान रखेंगे आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और फ्री रहेगी। आपको चीज़ें अरेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और वो टाइम, वो एनर्जी आप अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनाने में यूज़ कर सकते हैं। लाइफ के सेम प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूँ जब मैं ट्रैवल करता हूँ, व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग, और आई मेक श्योर कि मैं सिर्फ टेक और गैजेट्स वो सिलेक्ट करूँ जो कम से कम एफर्ट्स में मुझे ज़्यादा स्पेस दे सके, यूटिलिटी दे सके, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दे सके। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब मैं ट्रैवल करता हूँ या डे टू डे मैं मूवमेंट्स करता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, तो मैं अपने साथ वो कौन सी ऐसी एसेंशियल्स गैजेट्स रखता हूँ जो कि मेरी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी पे हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ आई मेक श्योर कि मैं तीन चीज़ों का ध्यान रखूँ। नंबर वन, बैकपैक जो मेरा होगा वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस होना चाहिए ताकि उसके अंदर मेरे इंपॉर्टेंट गैजेट्स, डॉक्यूमेंट्स, इक्विपमेंट्स आ जाए। नंबर टू, सेफ होना चाहिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे गैजेट्स और इक्विपमेंट्स जिनके ऊपर मैंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है वो हमेशा सेफ रहे। नंबर थ्री, हमेशा एक्सेसिबल रहने चाहिए ताकि जिस इक्विपमेंट या जिस गैजेट की मुझे ज़रूरत है उसे मैं ईजिली निकाल सकूँ, यूज़ कर सकूँ और फटाफट वापस रख सकूँ। सो गाइज, इट्स योर बॉय सुल्तान, यू आर वॉचिंग सुपर बॉय, एंड लेट्स सी व्हाट आई हैव इन माय ट्रैवल टैग बैकपैक, एंड लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बैग के बारे में। जो ये बैग है ये है बाय वाइल्ड क्राफ्ट, और वाइल्ड क्राफ्ट जैसे कि आप जानते ही हैं कि वेरी पॉपुलर ब्रांड है जो कि आउटिंग इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनाता है, और साथ ही साथ वाइल्ड क्राफ्ट इज़ नोन फॉर देयर सुप्रीम क्वालिटी बैकपैक्स, जो कि आप इनकी स्टिचिंग से देख सकते हैं। जो ये मटेरियल उन्होंने यूज़ किया है पॉलिएस्टर फैब्रिक, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मटेरियल है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्टेडी है, और साथ ही साथ इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा है। इसकी सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है वो है इसका लुक, इसकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी है, और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आपको काफ़ी देर तक इसे कैरी करना तो आप इजीली कैरी कर सकते हैं। इसका जो मटेरियल है वो वाटर प्रूफ है, मॉइस्चर प्रूफ है, तो आपके इक्विपमेंट्स और गैजेट्स भी इसके अंदर ईजीली आप स्टोर कर सकते हो, सेफ गार्ड है वो वहाँ पर भी। और अब हम बात करते हैं सबसे पहले इक्विपमेंट की, जो कि है हमारा मैकबुक प्रो 16 इंच। तो दिस इज आवर फर्स्ट गैजेट जो कि मैं अपने लैपटॉप बैग के अंदर रखता हूँ। मैकबुक प्रो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है मेरी प्रोडक्टिविटी के लिए। सो गाइज, नॉर्मली मैं अपने बैकपैक में अपने साथ रखता हूँ एक राइटिंग पैड जो मुझे हेल्प करता है जब भी मुझे कोई थॉट प्रोसेस आता है उसको नोट डाउन करने में, उसको पिन पॉइंट करने में, जॉट डाउन करने में। और इसके साथ मैं यूज़ करता हूँ एक पायलट पेन जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्मूथ है, और सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है मुझे इस कॉम्बिनेशन की कि काफ़ी एक्सेसिबल है। ये है माय व्लॉगिंग सेटअप, और आप जैसे कि देख सकते हैं मेन फ्रोटो का इसमें आपको एक ट्राईपॉड मिलता है, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है रोड का एक माइक जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और इसको जब भी मैं यूज़ करता हूँ स्पेशली आउटडोर्स में तो जो क्वालिटी होती है मेरी वोकल्स की वो काफ़ी इनहेंस हो जाती है, आसपास की जितनी भी नॉइस है उसको ये डेड कैट रिमूव कर देती है, वो इसमें फ़िल्टर हो जाती है। और साथ ही साथ क्योंकि मैं मोस्टली शूट करता हूँ अपने आईफोन के साथ, तो यहाँ पर एक अडेप्टर मैंने ले रखा है जो कि डायरेक्टली जाता है मेरे आईफोन में, और ये स्मूथली पूरी वीडियो को शूट कर लेता है, एंड इट गिव्स मी ग्रेट क्वालिटी ऑडियो। सो गाइस, जो नेक्स्ट गैजेट और इक्विपमेंट मैं अपने बैकपैक में हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ वो है ये WD की हार्ड डिस्क, जो मेरे सारे डेटा को स्टोर करती है, और दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। आप देख सकते हैं दिस इज़ द हार्ड डिस्क, और इसके साथ इसकी केबल है, और जब भी मेरे पास एक्सेस डेटा आता है आई कैन ईजिली स्टोर द डेटा इन दिस हार्ड डिस्क। सो गाइस, जब भी आप ट्रेवल करते हैं या फिर डेली टू डेली बेसिस में आप कहीं पे मूवमेंट्स करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो होती बहुत मामूली सी और छोटी सी है, बट वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो ये सारी छोटी मोटी गैजेट्स और टूल्स ये रखता हूँ मैं अपने इस लेदर पैकेट में, और सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कन्वर्टर जो कि मेरे मैकबुक के लिए है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑडियो स्प्लिटर जो कि आपके हेडफोन और माइक को अलग अलग चैनल्स देता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकी कुछ और अडेप्टर्स और जैक्स जो कि ऑडियो को कहीं पे भी प्लेस करने के लिए, प्लग करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो ये है वो सारे
छोटे छोटे गैजेट जो मुझे डेली टू डेली लाइफ में काफ़ी हेल्प करते हैं। सो गाइज, जो नेक्स्ट गैजेट है वो है मेरी स्मार्ट वॉच, जो कि है फ्रॉम अमेज़फिट, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉच है ये। जब भी मैं आउटिंग करता हूँ, ट्रेवल करता हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे अपनी डेली टू डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है या साइकिलिंग करनी है, तो वो मैं इजीली यहाँ पर ट्रैक कर सकता हूँ। इनबिल्ट GPS है इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपको पूरी डिटेल्स देती है किलोमीटर्स की, कि आपने कितने किलोमीटर जॉगिंग की है, रनिंग की है या फिर साइकिलिंग की है, आपकी स्पीड क्या थी उसको करते हुए, आपने कितना टाइम एक्चुअली में स्पेंड किया है, कितनी कैलोरीज आपने बर्न की है, और साथ ही साथ आपकी करंट हार्ट रेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ये एक स्मार्ट वॉच बता देती है। सो गाइस, जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो भी काफ़ी यूज़फुल है मेरे लिए, और ये है हमारे बीट्स के हेडफोन। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं मोस्टली बीट्स के हेडफोन अपने साथ कैरी करता हूँ। दिस हेडफोन्स आर वेरी यूज़फुल जब भी मुझे अपना म्यूज़िक सुनना है या फिर मुझे अपने वीडियो एडिटिंग करनी है। कोई भी मेरे पास प्रोजेक्ट है जिसमें मेरे को एडिटिंग करनी है, तो बीट्स के ये हेडफोन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है वहाँ पे। सो गाइज, जो नेक्स्ट टू एक्सेसरीज है दैट हैज़ टू डू विथ माई आईफोन। तो सबसे पहले है मेरे पास ये अडेप्टर, जो कि आईफोन अडेप्टर है, और ये हमेशा मेरे साथ रहता है। आपको नहीं पता होता है कि स्पेशली आपकी आईफोन की बैटरी कब ड्रेन आउट हो जाए, तो ये हमेशा मुझे हेल्प करता है। और साथ ही साथ दिस इज़ अ पावर बैंक फ्रॉम क्रोमा, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी बैकअप दे देता है बैटरी की। जब मेरी बैटरी काम नहीं कर रही है तो ये मुझे काफ़ी देर तक एक्टिव रखता है और मेरे फ़ोन को चार्ज्ड अप रखता है। सो गाइज, जो नेक्स्ट आइटम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड दैट्स माई वॉलेट। और ये वॉलेट है फ्रॉम सुप्रीम LV कोलेब्रेशन, और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं काफ़ी टाइम तक हाइबिस्ट कल्चर को फॉलो करता आ रहा हूँ, और आई ऑलवेज वॉन्टेड टू कीप समथिंग फ्रॉम सुप्रीम टू स्टे विथ मी 24/7। तो ये है मेरा वॉलेट, और आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। यहाँ पर आई स्टोर मैं कार्ड्स, यहाँ पर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सेव कर सकता हूँ, और यहाँ पर स्पेस है टू कीप माई कैश। सो गाइज, जो नेक्स्ट आइटम है वो भी सुप्रीम से है, एंड दैट्स माई वाटर बॉटल, और ये हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ, स्पेशली विथ ह्यूमिड टेम्परेचर। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में ह्यूमिडिटी और बहुत हॉट टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से प्यास आपको काफ़ी ज़्यादा लगती है। सो गाइज, जैसे मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोज़ में भी बताया है कि मुझे रात को कुछ पढ़ने की भी आदत है, मैं चाहता हूँ कि रात को मैं सोने से पहले कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ूँ, सो दैट कि मैं अपना जो डे है वो एंड कर सकूं किसी पॉजिटिव नोट पे, कुछ मोटिवेशनल बुक पढूं। तो नॉर्मली मैं अपने साथ बुक कैरी करता हूं। राइट नाउ आई एम रीडिंग रॉबिन शर्मा वो विल क्राई व्हेन यू डाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, और इसमें आपकी पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती है। सो गाइस, बैकपैक इज़ रेडी, मैं भी रेडी हूँ टू स्टार्ट दिस क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव डे। आई एम श्योर आपको आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके वो कौन से फेवरेट गैजेट्स और इक्विपमेंट्स हैं जो आप हमेशा अपने साथ ट्रेवल बैग में कैरी करते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को फॉर मोर प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव वीडियो लाइक दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग ऑन सुपर बॉय। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव एंड पीस।